कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे चुनाव की तारीखों को लेकर। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत धन्यवाद मैडम। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं रणजीत जी कि 10 की 10 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी का भी अपना दावा, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, कोई बात का पीछे बेस होता है, आधार होता है। मैं तो इस करके कहूंगा कि हमने 2000 उसमें भी जीती, 2014 में भी जीती, 2019 में भी बीजेपी जीती थी और 2024 में भी जीती थी। 14 में जीती, 19 में जीती, 24 में जीती, ये एक बीजेपी का रिकॉर्ड है। जबकि कांग्रेस ने पिछली बार भी 10ों की 10ें आ रही और 19 में उनकी एक सीट आई, 9 बीजेपी ले ली, उनके साथ लगे इसमें हिमाचल में हम सारी जीते, राजस्थान में सारी जीते, मध्य प्रदेश गुजरात में सब सीटें जीती, उत्तर प्रदेश में हमने उन्हें कांग्रेस को 2 सीटें आई, बिहार में वो कहीं थे ही नहीं, एक सीट भी उनकी नहीं थी, दिल्ली में 7 हम जीते। मुझे पता नहीं किस बात पे कह रहे हैं, सोच के कहना चाहिए। जब आप कहीं है ही नहीं तो जब कोई ग्राउंड ही नहीं है तो फिर किस बात पे कह रहे हैं? वोट उनके साथ नहीं, कांग्रेस की वो स्थिति हो रही है जो 1970 में थी, तब कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था, आज भी कोई टिकट लेने को, सिरसा में भी कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। जी नहीं, पिछली बार की बात करें, हिसार के अलावा हर जगह दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस पार्टी। रोहतक का हमने देखा, दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, वहाँ अच्छा मुकाबला रहा, बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया, तमाम दिग्गज हरियाणा के मैदान में थे कांग्रेस के। केरला में एक बार एक वोट से सरकार बची थी, एक वोट से सरकार जीती थी। एक बार सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे, चीफ मिनिस्टर बनने से रह गए थे, एक वोट से चुनाव आ रहे थे। देखिए सवाल ये नहीं आता, 10 में से रिजल्ट तो ये आता है, रिजल्ट आने के बाद कोई ये नहीं देखता आप 50,000 से जीत गए क्या 50,000। दल बदल जो कि हर बार होता है, इस बार भी हमने देखा हिसार से मौजूदा सांसद कांग्रेस में चले गए हैं, बृजेंद्र सिंह जिनकी घर वापसी हो गई है। तो जैसे जैसे लिस्ट आएंगे हम ये मानकर चले कि दल बदल तो इस बार भी होगा, उसका आप कितना असर मान रहे हैं इस बार के चुनाव? ये मैडम हर जगह होता है, पर देखिए वोट मिलते हैं किसी लीडर को उनकी छवि में, कभी कांग्रेस के होते थे कांग्रेस के नाम के वोट मिलते थे, इंदिरा गांधी को मिलते थे, एक ऐसा वक्त आया था जब जेपी मूवमेंट आया था, जयप्रकाश के नाम के वोट थे बिल्कुल। एक उसके बाद 1989 में एक ऐसा वक्त था जब देवीलाल और वीपी सिंह के नाम के वोट थे, और आज जो है पिछले 10 साल से हम ये देख रहे हैं कि केवल मोदी साहब के नाम का वोट है, कहीं भी खड़ा कर दो, यहाँ से उठा के हरियाणा के आदमी राजस्थान से एमपी बन गए, हरियाणा का आदमी गाजियाबाद में जाके एमपी बन गए, कांग्रेस की ये हालत है कि नहीं वायनाड जाके लड़ना पड़ रहा है, जब रायबरेली अमेठी भी सेफ नहीं तो कांग्रेस कहाँ है, आप मुझे इस बात का। क्या ये आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कोई कमाल कर पाएंगे हरियाणा में? आम आदमी पार्टी पिछले दोनों चुनाव में दिल्ली में तो एक सीट जीते नहीं, यहाँ क्या हटाने के पता, ये साथ के साथ उनसे गई है। अच्छा, इनेलो को कैसे देख रहे हैं रणजीत जी? अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, क्या कहेंगे? देखिए जो देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, उनके घर में हर कोई अपना अपने डेमोक्रेसी में कोई काम करता है, हम घर के 5 मेंबर हैं और पांचों ही हम विधानसभा में, पूरे देश में कहीं भी इतने नहीं है बिल्कुल, और उसके बाद हम अलग अलग बिना पार्टी के जीत के आए हैं, तो हमारा अपना भतीजा है, कहीं चुनाव लड़े जो देवीलाल ने कह रखा है सबसे बड़ा चैलेंज हो वहां जाके चुनाव लड़ो, लड़ रहा है, जीतेगा आ रहेगा तो लोग तय करेंगे, अभी तो चुनाव ही नहीं शुरू हुआ, सामने कैंडिडेट ही नहीं है, तो मैं इस पे क्या कहूँ। जेजेपी को चुनाव से ठीक पहले अलग राहें दिखा दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की ओर से, तो उनका क्या भविष्य देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए लोग तय करेंगे, ये मैं नहीं कह सकता, मैं तो ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीतेगी। चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, सभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह को आपने सुना।